नमस्ते दोस्तों। एक्चुअल में आज लक्ष्मण भाई का मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन उनको क्या कुछ काम है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि वो कल मुझे समय देंगे। तो कल का जो वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें मैं भूल गया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल जो मेन चीज़ था जो मैं मेरे दिमाग से निकल गई थी बोलते समय, इसमें क्या है, देखिए आपका क्लैन में जैसे कोई प्लेयर अटैक कर रहा है, ठीक है, वो पुशिंग में है, बढ़िया उसकी ट्रॉफी है, और आप उसके अटैक करते समय देख रहे हैं आप उसके अटैक को, ठीक है, आपके क्लैन के लोग उसके अटैक को देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी प्लेयर का अटैक आपको नहीं देखना क्लैन मेट का, ठीक है। उससे क्या होता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और हमारे साथ भी होता है कि जब चार पांच लोग देखना चालू कर देते ना तो दिमाग थोड़ा लगता है, हाँ यार ये देख रहा है, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मैं क्लैन में टॉप हूँ, और ये देख रहा है, कहीं मेरे से गलती से कोई गलत टाइप का अटैक ना हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो ये घबराहट में क्या होता है, हो सकता है उससे अटैक मिस हो जाए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके क्लैन को जीतने के लिए 3 स्टार चाहिए, ठीक है, और एक ही अटैक बचा है। अब आपका प्लेयर अटैक करता है, आप सारे क्लैन वाले देखते हैं उसी के अटैक को, ऑपोजिशन वाले देख रहे हैं वो तो अलग बात है, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लेयर का जो उसके दिमाग का जो लेवल है आप उससे समझ जाइए, वो कितना नर्वस रहता है उस समय। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने क्लैन मेट्स का वॉर में या फिर ऐसे जब अटैक कर रहा है तो कभी मत देखिएगा, वो रिप्लाई शेयर करते हैं लोग, तो आप रिप्लाई में देख सकते हैं। और एज ए प्लेयर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप फ्रेंड लिस्ट में खाली वही लोग को रखिए जो को आपको लगता है कि ये मेरे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड लिस्ट में 100 लोग 50 लोग जितना मन पड़े उतना ऐड करते जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड लिस्ट को हमेशा सेलेक्टेड रखिए, और सारे लोग को रिक्वेस्ट कर दीजिए, भाई मैं अटैक करने जाऊँगा तो मेरा रिप्ले उप्ले देखना है तो क्लैन में आ जाना, ऐसे लाइव मत देखना मेरे को, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ कल निकल गई थी दिमाग से मेरे। और एक बहुत ज़रूरी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्लैश ऑफ क्लैन का एक और एक रूल था जो आपको बताना भूल गया, नेवर शो योर कार्ड्स, ठीक है, आप अपने पत्ते मत दिखाइए कभी भी। तो इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपका किसी बड़े क्लैन से अलायंस है या जो भी है, ठीक है, मैंने कल बोला था कि आपको कभी भी अपना अलायंस को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब सीज़न एंड होगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो फाइट है काफ़ी क्लोज जाने वाली है और नेक टू नेक फाइट है, ठीक है, तो हमेशा कुछ बड़े ट्रॉफी वाले प्लेयर्स की आईडी को बाहर रखिए, और सीज़न एंड के कम 10 मिनट पहले वो सारे प्लेयर्स को अंदर डालिए और नीचे प्लेयर को हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप सामने वाले क्लैन को थोड़ा सा ताजुब में डाल सकते हैं। तो ये तब हो सकता है जब मतलब आपका और उनके गैप में, मतलब ट्रॉफी में ज़्यादा कोई डिफरेंस ना हो, और सामने वाला कहीं आपसे 2000 या 2500 ट्रॉफी ऊपर में बैठा हुआ है, तो फिर उसके साथ 3000 कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ मेन लोगों का मैं जिक्र करूँगा जिनकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इंडिया का सबसे बेस्ट क्लैन लीडर साजिद भाई भारत क्लैन के लीडर हैं। अब वो बेस्ट क्यों हैं, ठीक है, उनका रीज़न क्या है बेस्ट होने का। साजिद भाई की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो उनका पेशेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है। आप उनको कुछ भी बोलते रहिए, वो जब तक अपने से आपके ऊपर नाराज़ नहीं होंगे ना तो नहीं होंगे, ठीक है, आपके बोलने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एकदम कूल माइंडेड है। तो क्लैश ऑफ क्लैन में के एक लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जो साजिद भाई का जो क्वालिटी है ना, उनका जो माइंड सेट है एकदम कूल है, ठीक है। और सेकेंड जो साजिद भाई की क्वालिटी है, उनका जो क्लैन के लिए उनका समर्पण है बहुत हाई लेवल का है।
कभी भी मतलब COC में मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा। क्या हुआ था बीच में, मैं COC छोड़ के पबजी खेलना चालू कर दिया था। तो 3-4 महीने में पबजी खेलता था, तो साजिद भाई का मेरे को एक बार फ़ोन आया, भाई आप आ जाइए ये COC में, यहाँ पे फिर से कुछ लोकल और ये सब में प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं तो फिर वापस आ गया, लेकिन मैंने साजिद भाई को कभी नहीं देखा कि वो COC छोड़ के कुछ दूसरा काम चालू कर दिए। नहीं तो ये जो भारत क्लैन है ना, वो मतलब खड़ा ही नहीं रह सकता। ये भारत क्लैन को इस तरीके से रखने के पीछे साजिद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो कभी भी याद रखिएगा, आप लीडर हैं ना, तो अपने क्लैन को कभी मत छोड़िएगा, और किसी भी कंडीशन में डिप्रेस मत होइएगा। क्योंकि साजिद भाई को जब मैं क्लैन ज्वाइन किया था, तब भी मैं देखा था कितनी सारी डेड आईडी थी, तब भी अकेले खेल रहे थे, तब भी उनको कोई वो नहीं था। और अभी जब क्लैन इस अच्छे पोजीशन में है, तब भी पूरे पेशेंस के साथ खेलते हैं और बहुत जल्दी किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो उनकी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी है। क्लैश ऑफ क्लैन में सीज़न एंड में, सीज़न एंड जो करना है, उसमें सबसे अच्छा जो एंडिंग का मास्टर था वो था किंग उमित। किंग उमित की जो एंडिंग की स्टाइल थी, उससे हम लोग को भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है। तो किंग उमित सबसे बेस्ट उसका एंडिंग था। और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया, जो प्लेयर रखने वाला, वो उमित का स्टाइल था। वो आखिरी में कुछ ऐसी आइडियाज़ डालता था कि आपके और उसके में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता था। तो ये ऐसी कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे जो कैलकुलेशन है, लक्ष्मण 24/7 भाई का बहुत अच्छा है। और ग्लोबल में आप बात करें तो डॉक्टर साहब का जो कैलकुलेशन है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उनको एकदम पता रहता है कि क्या कैलकुलेट करना है, किस तरीके से प्लेयर डालने हैं, क्योंकि उनको एक क्लैन नहीं हो तो कई क्लैंस को उनको करवाना रहता है। तो इस तरीके से क्या, कई लोग उस पर मास्टरी पा जाते हैं कि आपको कैसे प्लेयर्स को एडजस्ट करना है। तो ये भी एक स्किल है, आप इसको भी डेवलप कर सकते हैं। तो कल का जो वीडियो है, ये वीडियो देखने के पहले आप देखिएगा, नहीं तो आप मिस हो जाएंगे। ये उसी का एक कंक्लूडिंग पार्ट था। कल में से कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। आपने मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।